गीता ज्ञान यज्ञ श्रृंखला के इस भाग में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि जीवन का जो द्वंद है, वो द्वंद कैसे विरोधी लगते हुए भी एक दूसरे का सहयोगी होता है। जैसे दुख सुख का विरोधी लगता है, किंतु वास्तव में दुख और सुख एक दूसरे के परम मित्र हैं। यदि दुख होता है तो ही सुख की संभावना जन्मती है, और सुख होता है तो ही वो दुख में परिवर्तित होता है। तो सुख और दुख, ये दोनों कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही शक्ति का दो रूप है। और इसलिए द्वंद्वातीत होने की बात कही जाती है। जिसको आनंद चाहिए, उसको सुख और दुख के इस द्वंद से बाहर आना होगा। अगला जो गीता का श्लोक है, 16वां श्लोक दूसरे अध्याय का, उसको हम ले रहे हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, असत की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार ये दोनों तत्व तत्वज्ञानियों द्वारा देखे गए हैं। अब इस का भावार्थ समझें और फिर उसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे। सत क्या है? भारतीय चिंतन में सत उसे कहते हैं जो अतीत में भी रहा हो, वर्तमान में भी हो और भविष्य में भी हो, यानी जिसका किसी भी अवस्था में बाध न होता हो, त्रिकाला बाधित हो, जिसका कोई अभाव ना हो, किसी समय में वो ऐसा ना होता हो कि उपस्थित ना हो, उसी का नाम है सत। और जो सत नहीं है उसका नाम है असत। असत यानी जिसका बाध होता हो। तो इसके बाद शायद आप अब जो श्लोक में कहा जा रहा है उसको समझने में सक्षम हो सकते हैं कि सत की जो स्थिति है वो ऐसी है कि उसका कोई अभाव नहीं होता है, और असत की सत्ता नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दें कि जीवन में हम देखते हैं कि व्यक्ति पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, अपने चरम वार्धक्य को प्राप्त होता है, उसके बाद उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए हम मृत्यु को जीवन की अपेक्षा सत कहते हैं। और जब जीवन की बात आती है तो मृत्यु की अपेक्षा सत है, लेकिन परम आयाम में ये दोनों, जीवन और मृत्यु, ये दोनों एक द्वंद का नाम है, सत नहीं है। तो भगवान अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी इसेंस है, जो भी सत्व युक्त है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। तो अर्जुन की जो चिंता है वो चिंता असत की चिंता है, वो चिंता पेरिफेरी की है, वो चिंता परिधि की है। कृष्ण उसका ध्यान उस परम तत्व की तरफ ले आना चाहते हैं जिसका कभी बाध नहीं होता है, जिसमें कभी बदलाव नहीं आता है। तो वह अपरिवर्तित,
वह नित्य, वह अस्थाई जो सत्ता है उसी का नाम सत है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम परम तत्व है। और जो भारतीय चिंतन प्रणाली है, जो तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया रास्ता है, वो रास्ता उसी परम तत्व की खोज का है, जीवन को परिधि से केंद्र की तरफ ले आने का मार्ग है भारत में। और इसी को हम अध्यात्म शास्त्र या ज्ञान शास्त्र, सांख्य निष्ठा इत्यादि नामों से जानते हैं। तो इस श्लोक में हम इतनी चर्चा करते हैं, आप इस पर फिर विचार करेंगे और अगर आपके कोई सुझाव या प्रश्न है तो उस प्रश्न को निसंदेह अगर हम तक पहुंचाएंगे तो हम आप मिलकर उस पर विचार करते हुए अपने विज़न को, अपने दृष्टिकोण को और बेहतर और परिमार्जित करते हुए परम तत्व की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। मेरे इस वीडियो को आपने समय दिया, ध्यान से सुना, आपकी रुचि तत्वज्ञान में हो, आपकी रुचि परम तत्व को समझने में हो, इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।